आपको चैनल होम ऑफ अकाउंटेंसी के ऊपर खुश आमदीद कहा जाता है। इससे पहले कि हम लोग आज इस रिग्रेशन के फोर्थ लेक्चर का आगाज़ करें, आपसे गुजारिश है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें और नोटिफिकेशन का साइन प्रेस कर दें ताकि आपको नए आने वाले लेक्चर की बर वक्त इतला मौसूल होती रहे। आज बच्चों जिस हमने टॉपिक को डिस्कस करना है वो दो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8 और 9। ये बड़े ही सिंपल से क्वेश्चन है लेकिन इसमें उसने थोड़े थोड़े साथ में नई चीज रिक्वायरमेंट दे के, जैसा कि ग्राफ वगैरह, तो उसने इसको बारे में जो है वो कंसेप्ट को थोड़ा सा एक्सपेंड किया है। बाकी ये क्वेश्चन बड़ा आसान आसान है। जैसा कि क्वेश्चन नंबर 7 है, फिट द लाइन ऑफ रिग्रेशन वाई ऑन एक्स फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा, आल्सो ड्रा द लाइन वाई ऑन एक्स इन पार्ट ए। ये 2000 ये हमारे पास क्वेश्चन है। अच्छा जी, इस क्वेश्चन को जी सॉल्व करते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 को। अच्छा जी बच्चों, क्वेश्चन नंबर 7 में आपके पास एक्स और वाई दो वैल्यूज़ मौजूद हैं। आप एक्स की वैल्यू प्लीज़ लिख लें। एक्स की वैल्यू है हमारे पास 5, 7, 6, 12, 17, 19, 20, 29। वाई की वैल्यू है 22, 14, 11, 9, 9, 8, 6, 2। हमें बच्चों इसमें जो उसने रिक्वायर्ड किया है वो है एक रिग्रेशन इक्वेशन वाई ऑन एक्स। हमें इसमें रिग्रेशन इक्वेशन y ऑन x कैलकुलेट करना है, जिसको हम y कैप इज इक्वल टू a प्लस बी एक्स। और अगर हमने b y ऑन x फाइंड करना हो तो उसका फार्मूला होता है n समेशन x y माइनस समेशन x समेशन y डिवाइडेड बाय n समेशन x स्क्वायर माइनस समेशन x का होल स्क्वायर। इसका मतलब ये हुआ कि हमें इस क्वेश्चन में से जो चीज़ें फाइंड करना है उसमें एक x का सम, y का सम, एक एक्स वाई और x का स्क्वायर। हमें ये चार वैल्यूज़ को कैलकुलेट करना है। इनकी कैलकुलेशन आपने ज़रूर परफॉर्म कर लेनी है एनुअल पेपर में, अभी चाहे आप कैलकुलेटर से इसको परफॉर्म कर लें। ये मॉड रिग्रेशन का 3, लीनियर का 1, 5, 22, m+7, 14, m+6, 11, m+12, 9, m+17, 9, m+19, 8, m+20, 6, m+29, 2, m+। तो ये 8 आपके पास जो है वो ऑब्जर्वेशन है। शिफ्ट एस सम समेशन एक्स 1, 1, 5, समेशन वाई 81, शिफ्ट एस सम समेशन एक्स वाई 865, समेशन एक्स स्क्वायर 2, 1, 4, 5। बी कैलकुलेट करने के लिए इसकी वैल्यू में जो है डाटा पुट कर देते हैं। बी वाई ऑन एक्स इक्वल टू ऑब्जर्वेशन है हमारे पास 8, समेशन एक्स वाई है हमारे पास 865 माइनस समेशन एक्स इंटू समेशन वाई 115 इंटू 81, एन है 8 इंटू 2, 1, 4, 5 माइनस 115 का स्क्वायर। फिर मेरे बच्चों आप बी वाई ऑन एक्स को सॉल्व कर लेंगे। बी वाई ऑन एक्स की वैल्यूज 8 मल्टीप्लाइड बाई 865 115 इंटू 81 माइनस 2, 3, 9, 5, 8 इंटू 2, 1, 4, 5 माइनस 115 का स्क्वायर 3, 9, 3, 5 माइनस 2, 3, 9, 5 डिवाइडेड बाई 3, 9, 3, 5 तो वैल्यू आ जाएगी माइनस 0.61। ये आपके पास b की वैल्यू होगी। अब हमें फाइंड करना है ए वाई और एक्स। ए वाई ऑन एक्स इज इक्वल टू समेशन वाई माइनस बी समेशन एक्स बटा एन। समेशन वाई आपके पास है 81 माइनस बी 0.61, समेशन एक्स डिवाइडेड बाय एन की वैल्यू
0.61 क्योंकि ये नेगेटिव है तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा, ये वैल्यू जो सॉल्व हो किया ये नेगेटिव है, ये नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगी 115, 81 प्लस डेट वैल्यू डिवाइडेड बाय 8, तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी 18.90। वैल्यू में ऑब्जर्व ट्रेंड वैल्यू इज इक्वल टू ए प्लस बी एक्स, 18.90 प्लस बी एक्स आपके पास कितना है जी, ये बी वाई ऑन एक्स जो है ये वैल्यू आपने सॉल्व की है -0.61 ऑफ एक्स, 18.90 -0.61 ऑफ एक्स, कुछ इस तरह से आप इसको लिख लें। इसको इस तरह से लिखने की वजह ये है क्योंकि इस क्वेश्चन में हमें ग्राफ प्रिपेयर करना है जिसके लिए हमें ट्रेंड वैल्यू सॉल्व करना है। अब आपने क्या करना है, ट्रेंड वैल्यू सॉल्व करने लगे हैं, ये अलग से कॉलम आपने बच्चों प्रिपेयर कर लेना है। ये इक्वेशन कुछ इस तरह से लिख लेना, 18.90 -0.61 इंटू, अब आपने हर दफा एक्स की वैल्यू चेंज करते जाना है, एक्स की वैल्यू फर्स्ट अटेम्प्ट में 5 रखना है, तो आंसर आ जाएगा जी 15.85, 7 रख लें जी। एटीन पॉइंट नाइन -0.6 इंटू 5, 18.5, 7 कर लें, 14.63, 6 कर लें, 15.24, 12 कर लें, 11.58, 17 कर लें जी 8.53, 19 कर लें 7.31, 20 कर लें 6.7, 29 कर लें 1.21। अच्छा जी, ये आपके पास ट्रेंड वैल्यूज हैं। उसने कहा था आल्सो ड्रा दी लाइन वाई ऑन एक्स इन पार्ट ए, तो अब आपने वो लाइन ड्रा कर लेनी है यहाँ पे। ये आपके पास एक्स और यहाँ पे आपके पास वाई। लें जी एक्स के लिए आप यहाँ पे लिख लें जी 5, 10, 15, 20, 25 और 30। अगर एक्स 5 है, ये एक्स 5 है, तो वाई कैप कितना है यहाँ पे, जिसकी भी वैल्यूज डिसाइड कर लें 5, 10, 15, 20, 25। अगर एक्स 5 है तो वाई कैप है 15.8, तकरीबन 16 के करीब चला जाता है। अच्छा जी, अगर एक्स 7 है तो ये 14.63 है, एक्स 7 तकरीबन यहाँ पे, 14.63 यहाँ पे, आप ऐसे समझ लें कि ऐसे मिला रहे हैं। एक्स 6 तो वैल्यू है 15.25, एक्स 6 यहाँ पे कर लें और 15 पॉइंट समथिंग। एक्स 12 तकरीबन यहाँ पे, वाई की वैल्यू 11। एक्स 17, वाई की वैल्यू 9। एक्स 19 और वाई की वैल्यू 7 पॉइंट समथिंग। एक्स 20, वाई की वैल्यू 6। एक्स 29, वाई की वैल्यू 2। देखिए स्टूडेंट, आप इस सारे को ग्राफ को जॉइंट कर लें तो ये आपके पास वाई कैब का ग्राफ आ जाएगा।
जी स्टूडेंट्स, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की। क्वेश्चन नंबर 8 के दो पार्ट हैं, दोनों अलग अलग क्वेश्चन में पूछे गए हैं। इसका पहला पार्ट इतना ट्रिकी नहीं है जितना ट्रिकी इसका सेकंड पार्ट है। तो फर्स्ट पार्ट जो है वो बड़ा आसान है, वो आप खुद अटेम्प्ट कीजिएगा, मैं बस उसको शुरू कर देता हूँ। यह है क्वेश्चन नंबर 8, फिट अ स्ट्रेट लाइन बाय द मेथड ऑफ द लीस्ट स्क्वेयर टू द फॉलोइंग डेटा एंड एस्टिमेट वाई फॉर एक्स इक्वल टू 30 वेयर एक्स इक्वल टू सप्लाई एंड वाई इज इक्वल टू डिमांड। वो कहता है आपने वाई ऑन एक्स कैलकुलेट करना है और एक्स की वैल्यू उसने दी है, एक्स और वाई। आपने क्या करना है बच्चों, इन दोनों को आपने वैल्यूज के तौर पर यहाँ पे लिस्ट डाउन कर लेना है, लिस्ट डाउन करके आपने इसको सॉल्व आउट कर लेना है। लेकिन ये मेथड है लीस्ट स्क्वेयर का। लीस्ट स्क्वेयर में मेथड में थोड़ा सा ना वैल्यूज चेंज करते हैं, वो किस तरह चेंज करते हैं वो भी देखते हैं, आपके साथ शेयर करते हैं। कैलकुलेशन यही आएगी क्वेश्चन नंबर 8 और फर्स्ट पॉइंट एक्स वाई एक्स वाई एक्स स्क्वायर। एक्स है 0, 5, 10, 15, 20 और 25 एंड वाई इज इक्वल टू 12, 15, 17, 22, 24 एंड 30 एक्स वाई। एक्स स्क्वायर आप लिखते जाएं 25, 100, 225, 25, 20 का स्क्वायर, 400, 25 का स्क्वायर, 625, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4 इनका आपने टोटल कर लेना। टोटल करके फर्दर आपने इसका लीस्ट स्क्वायर का मेथड अडॉप्ट कर लेना। लीस्ट स्क्वायर का मेथड क्या होता है बच्चों, इसमें आपने जो कैलकुलेशंस करना होती हैं वो कुछ इस इन फार्मूलाज को यूज़ करते हुए करना होती हैं। समेशन वाई इज इक्वल टू एन इंटू ए प्लस बी इंटू समेशन एक्स, समेशन एक्स वाई इज इक्वल टू ए समेशन एक्स प्लस बी समेशन एक्स स्क्वायर। ये फर्स्ट इक्वेशन, ये सेकंड इक्वेशन, और इसको सॉल्व साइमल्टेनियस इक्वेशन के तौर पर करना होता है। पहले आपके पास बी कैलकुलेट होके आएगा, फिर आप इसमें से ए कैलकुलेट कर देंगे। तो आप ये क्वेश्चन खुद कंप्लीट करना, ये क्वेश्चन नंबर 8। इसका मैं बी पॉइंट करवाता हूँ, बी पॉइंट ज़रा ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप बी पॉइंट समझ जाएंगे या समझ जाएंगे तो आपके लिए ए पॉइंट करना बड़ा आसान हो जाएगा। बी पॉइंट देखते हैं। अच्छा बच्चों, बी पॉइंट मुझने कहा था कि आपके पास ना फिट अ स्ट्रेट लाइन बाय द मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर एंड ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द ट्रेंड वैल्यूज। इस पॉइंट की वजह से मैं ये करवाना चाह रहा था कि ग्राफ बनाना है अपने ट्रेंड वैल्यू का। ये भी बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 है। पहले जी x की वैल्यूज लिख लेते हैं। ये है जी क्वेश्चन नंबर 8 का बी ऑप्शन, एक्स वाई और एक्स स्क्वायर। एक्स की वैल्यू है बच्चों 0, 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6। वाई की वैल्यू है 12, 10, 14, 11, 13, 15 एंड 16। एक्स वाई लेते हैं जी, ये आ जाएगा 0, ये आ जाएगा 10, ये आ जाएगा 24, ये आ जाएगा 33, 13 × 26 = 52, 5 × 15 = 75, 6 × 16 = 96। ले जी एक्स स्क्वायर, 1 × 1 = 2, 2 × 4, 3 × 3 = 9, 4 × 4 = 16, 5 × 5 = 25, 6 × 6 = 36। ले जी बच्चों इसका ज़रा टोटल भी कर लेते हैं। पहले इस कॉलम का करते हैं, 0 + 1 + 4 + 9 + 19 + 25 = 36, 92। ज़रा दोबारा ना कर लें ताकि एरर लेस हो जाए। बाकी हाँ, ये थोड़ा सा डिफरेंस आया, 1 + 4 + 9 + 16 + 25 + 39, 91 आता है जी। एक्स वाई करते हैं जी कैलकुलेट, 10 + 28 + 33 + 50 = 96, 294। दोबारा ना कर लें, 10 + 28 + 33 + 52 + 57 = 96। ठीक है, एक्स का वाई का स्क्वायर 10 + 12 + 14 + 11 + 13 + 45 + 16
91 दोबारा करते हैं 12 प्लस 10 प्लस 14 प्लस 11 प्लस 13 प्लस 15 प्लस 16 91 एक्स को करते हैं जी 1 जमा 2 जमा 3 जमा 4 जमा 5 जमा 6 तो वैल्यूज आ जाती हैं आपके पास 21। वैसे अगर ये डाटा पुट करते इक्वेशन में तो क्या होना था रिग्रेशन लीनियर 0 कामा 12 एम 1 1 कामा 10 एम 1 2 कामा 14 एम 1 3 कामा 11 एम 1 4 कामा 13 एम 1 5 कामा 15 एम 1 6 कामा 16 एम 1 शिफ्ट एस सम समेशन एक्स 21 शिफ्ट एस सम समेशन वाई 91 शिफ्ट एस सम समेशन एक्स स्क्वायर 91 शिफ्ट एस सम समेशन एक्स वाई 294। अच्छा बच्चों हमें ना लीस्ट स्क्वायर मेथड से जो लीस्ट स्क्वायर मेथड होता है ना बच्चों उसमें जो हम लोग कैलकुलेशंस करते हैं लीस्ट स्क्वायर मेथड में वो हमारे पास कुछ इस तरह से होती है कि हम लोगों ने लीस्ट स्क्वायर मेथड की जो कैलकुलेशन करना होती है उसमें हम फार्मूला चेंज करते हैं। उसमें हम कहते हैं जी हमारे पास दो इक्वेशन होंगी, पहली इक्वेशन को हम लोग लिख देते हैं जी समेशन वाई इज इक्वल टू एन ए प्लस बी समेशन एक्स समेशन एक्स वाई इज इक्वल टू ए समेशन एक्स प्लस बी समेशन एक्स स्क्वायर। अब ये इक्वेशन वन है ये इक्वेशन टू है, वैल्यूज में डाटा पुट कर देते हैं। समेशन वाई 91 इक्वल टू एन कितने हैं जी हमारे पास 7, ए कितना है जी ए तो सर मालूम करना है प्लस बी मालूम करना है। समेशन एक्स कितना है जी समेशन एक्स है 21। या ज्यादा बेहतर है कि आप वेरिएबल को बाद में लिख लें 91 इक्वल टू 7 ए प्लस 21 बी। अब इसी तरह दूसरी वैल्यूज पुट कर देते हैं, दूसरी वैल्यू समेशन एक्स वाई, समेशन एक्स वाई कितना है जी 294 इक्वल टू ए मालूम करना है समेशन एक्स पहले लिख लेते हैं समेशन एक्स 21 इनटू ए प्लस बी, बी को बाद में लिख लेते हैं समेशन एक्स स्क्वायर पहले लिख लेते हैं समेशन एक्स स्क्वायर है 91 इनटू बी। अच्छा बच्चों हमने ना या तो बी को सॉल्व करना है दोनों को इक्वल कर लेना है या ए को इक्वल कर लेना है। बी मुझे इक्वल होता नजर नहीं आ रहा है, ए इक्वल हो सकता है। देखो अगर 7 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो 21 हो जाएगा, इसलिए इक्वेशन 1 मल्टीप्लाइड बाय 3 कि जो इक्वेशन 1 है ना वो हमने 3 से मल्टीप्लाई कर देना है। जब आपने इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देना है तो आपने आंसर सॉल्व कर लेना है। वो किस तरह 91 मल्टीप्लाइड बाय 3 273, 7 मल्टीप्लाइड बाय 3 21 ए, 21 मल्टीप्लाइड बाय 3 63 बी, 294 इज इक्वल टू 21 ए प्लस 91 बी, माइनस 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 ये कैंसल 91 माइनस 63 28 बी 294 माइनस 273 21 डिवाइडेड बाय 28 इक्वल टू बी, 21 डिवाइडेड बाय 28 इक्वल टू बी, बी इज इक्वल टू 0.75। अब हमने जो आंसर कैलकुलेट किया था उसके मुताबिक भी देखते हैं शिफ्ट एस वी ए आर बी 0.75 ये दुरुस्त है जी। अब इस बी की वैल्यू को इस इक्वेशन में से किसी में पुट कर दे, नाउ पुट द वैल्यू ऑफ बी इन इक्वेशन वन 91 इक्वल टू 7 ए प्लस 21 बी, 91 इज इक्वल टू 7 ए प्लस 21 इनटू बी, 91 इक्वल टू 7 ए प्लस 0.75 इनटू 21 15.75, 91 प्लस 15.75 106.75 इक्वल टू 7 ए, 106.75 डिवाइडेड बाय 7 इज इक्वल टू ए, डिवाइडेड बाय 7 ए इज इक्वल टू 15.25, ए कैप इज इक्वल टू ए प्लस बी एक्स, ए कैप इज इक्वल टू 15.25 प्लस बी 0.75 इंटू एक्स। ले जी बच्चों ये हमारे पास फिटेड वैल्यू सॉल्व हो गई।
लेकिन उसने कहा था कि आपने ग्राफ बनाना है ट्रेंड वैल्यूज का, तो आपने अब साथ में ट्रेंड वैल्यूज भी कैलकुलेट कर लेना है। तो ट्रेंड वैल्यू आपने कैसे कैलकुलेट करना है, ये आपके पास एक इक्वेशन प्रिपेयर हो जाएगी, आप यहां पर लिख लेना वाई कैब इज इक्वल टू, आपके पास ये इक्वेशन प्रिपेयर होके आएगी, ये हम लोग कर रहे थे क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर, जरा मैं ये आंसर चेक कर लूँ, मैंने एक आंसर नहीं चेक किया, हाँ ये इसको मुझे एक आंसर में इसी वजह से ये गड़बड़ लगी थी, तो मैंने ये वैल्यू दोबारा चेक करना चाहिए थी। ये जब आपने वैल्यूज पुट किया, इसको ज़रा दोबारा सॉल्व आउट करते हैं, ये वैल्यू इधर आएगी तो ये नेगेटिव की हो जाएगी, 91 माइनस 15.75, तो यहाँ पे वैल्यू आएगी 75.25 डिवाइडेड बाय सेवन, तो a इज इक्वल टू 10.75, और जो फिटेड वैल्यू बनेगी y कैप इज इक्वल टू 10.75 प्लस 0.75। हाँ अब ये ठीक है। अब अगर आप इसकी ट्रेंड वैल्यू बनाते हैं तो ट्रेंड वैल्यूज कुछ इस तरह से बनेंगी, अब x की हर वैल्यू यहाँ पे रिप्लेस करते जाएंगे, आप यहाँ पे x भी लिख लेना ताकि आपको वैल्यू कैलकुलेट करने में आसानी हो, एक दफ़ा है 0, 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6, आप इसमें 0 पुट करेंगे तो आंसर यही आएगा, आप इसमें 1 पुट करेंगे तो 0.75 ऐड हो जाएगा, ये ज़रा देखें 10.75 प्लस 0.75 इंटू 0 था तो यही आया 1, 11.5, 2, 12.25, 3, 13.00, 4, 13.75, 5, 6, ले मेरे बच्चों ये हमारे पास ट्रेंड वैल्यूज, और फिर उसी पुराने तरीके के मुताबिक ग्राफ भी, अल्हम्दुलिल्लाह 0, x, y and y cap, 0 यहाँ पे कर लें जी 1, 2, 3, 4, 5, 6, x की वैल्यूज इतनी है, अब आप जो y है वो उसके लिए लिख लें 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, जब y 0 है तो y कैप 12 है, y 2 है, y 1 है, x 1 है तो y 10 है, x 2 है तो y 14 है, x 3 है तो y 11 है, x 4 है तो y 13 है, x 5 है तो y 15 है, x 6 है तो y 16 है। अब ये तो होगी ऑब्जर्व्ड वैल्यूज, अब ट्रेंड वैल्यूज की तरफ जाना है, ये ऑब्जर्व्ड वैल्यूज का ग्राफ है, ये एक्चुअल वैल्यूज का ग्राफ है, अब ट्रेंड वैल्यूज की तरफ जाना है, ट्रेंड वैल्यू का कॉलम ये है, अगर 0 है तो ये 10.75 है, अगर 1 है तो 11.5 है, अगर 2 है तो 12.25 है, अगर 3 है तो ये 13 है, अगर 4 है तो ये 13.75 है, अगर 5 है तो 14.5 है, अगर 6 है तो ये 15.25 है। ले जी बच्चों, ये हमारे पास था क्वेश्चन नंबर 8, इसका ए पोर्शन आप खुद अटेम्प्ट कीजिएगा, तो हमें याद रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।